Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत व्याख्यान की कड़ी में आज का व्याख्यान क्रेता सावधान के नियम पर है क्रेता सावधान के नियम को पढ़ने के पहले इस व्याख्यान की कड़ी में हम अगर अपने पुराने व्याख्यानों को एक बार देखें तो हमने माल विक्रय अधिनियम उन्नीस के महत्व माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत विक्रय की संविदा, माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल किसे कहते हैं और माल का विक्रय संविदा अधिनियम या विक्रय के अंतर्गत क्या महत्व है इन सब बिंदुओं पर अपने व्याख्यान को देखा था पूर्ववर्ती व्याख्यान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी शर्तें एवं वारंटियों की किसी भी माल विक्रय संविदा या माल विक्रय अनुबंध के अंतर्गत शर्तें क्या होती हैं वारंटी क्या होती हैं जिसे हमने इसी अधिनियम के धारा बारह से लेकर के सत्रह तक में एक बार देखा महत्वपूर्ण रूप से जो धारा बारह थी जिसमें शर्तें और वारंटियों के बीच में अंतर को निरूपित किया गया है और उसमें हमने यह जानने की कोशिश की कि कब किसी अनुबंध के अंतर्गत किसी निबंधन को हम शर्त कहेंगे और किन निबंधनों को हम वारंटी के रूप में देखेंगे शर्तों और वारंटियों के बीच में अंतर को देखना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यही इस बात का आधार तय करता है कि किसी क्रेता को मिलने वाला उपचार क्या होगा शर्तें एवं वारंटियों के संबंध में धारा बारह को यदि एक बार हम फिर से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि जब भी कोई अनुबंध किसी क्रेता और विक्रेता के बीच में माल के विक्रय के संबंध में किया जाता है तो उस अनुबंध या संविदा के आने से पूर्व कुछ ऐसे निबंधन होते हैं जो संविदा के लिए आधार उत्पन्न करते हैं और ऐसे ही आधार उत्पन्न करने वाले निबंधनों में कुछ ऐसे निबंधन होते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके पूर्ण ना होने पर वह जो अनुबंध है उसका उद्देश्य फ्रस्ट्रेट या खराब हो जाता है ऐसे में इस प्रकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य वाले जो शर्तें होती हैं उन्हें हम शर्तों के रूप में जानते हैं लेकिन इनके अलावा ऐसे कई निबंधन होते हैं जो संविधा में होते तो हैं लेकिन वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि उनके पूरा ना होने पर या उनके भ्रष्ट होने पर या उनके खत्म होने पर हम पूरी संविधा को निराशित कर सकें और इसी आधार पर हम शर्तें एवं वारंटियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य और कारण यह है कि जब तक हम शर्तें और वारंटियों के बीच में अंतर को नहीं स्थापित कर लेंगे हम उनसे मिलने वाले उपचार चार को प्राप्त नहीं कर सकते और धारा बारह में ही इसकी उपधारा दो में यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि किसी निबंधन को जिसको हमने शर्त मान लिया है अगर शर्त का भंग होता है तो क्रेता को मिलने वाले उपचार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपचार यह है कि वह पूरी की पूरी संविधा को निराशित करा करके नुकसानी का दावा कर सकता है जबकि यदि यह मात्र वारंटी का भंग होगा तो द्वितीयक निबंधन होने के कारण वह संविधा का निराशन कराने के लिए अधिकारित नहीं है हाँ यद्यप कि वह नुकसानी का दावा कर सकता है इसी प्रकार माल विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत शर्तें और वारंटियाँ क्या होती हैं इनके बीच में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है कौन सी शर्तें कौन सी वारंटियाँ या कोई भी शर्त कभी वारंटी के रूप में समझी जाएगी क्या इन सब बातों को हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में देखा और इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि शर्तें या वारंटियाँ जरूरी नहीं है या निश्चित नहीं है किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से की जाए या संविदा में पक्षकारों द्वारा लिखित के रूप में की जाए बहुत सारी ऐसी शर्तें या वारंटियाँ हो सकती हैं जो कानून या विधि द्वारा विधिमान्य हैं अर्थात जिनको विधि ने मान्यता प्रदान की है और अगर निश्चित रूप से वो संविधा में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है तो भी विधि की मान्यता है कि ऐसी शर्तें या वारंटियाँ संविधा में मौजूद हैं और माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली संविदाओं में ऐसी शर्तें या वारंटियों को हम निहित शर्तें या विवच्छित शर्तें एवं वारंटियों के रूप में जानते हैं निहित शर्तें और वारंटियों के अध्ययन के क्रम में हमने ऐसी निहित शर्तें और वारंटियों को देखा जो कानून या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और उन्हीं शर्तों के क्रम में हमने विशेष रूप से जब धारा सोलह का अध्ययन किया था तो धारा सोलह में निहित उपवादों को जिनको हम निहित शर्तों के रूप में भी जानते हैं हमने एक अलग पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय में रखा है जिसे हम क्रेता सावधान के नियम के अपवाद के रूप में जानते हैं इस प्रकार जब हम इन निहित शर्तों का अध्ययन करेंगे तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम पहले क्रेता सावधान के नियम को समझें और क्रेता सावधान के नियम को समझने के बाद समय के साथ साथ उनमें जब अपवादों की वृद्धि हुई खासकर 1930 का अधिनियम जब बन गया तो उसमें उन अपवादों को शामिल कर लिया गया इस प्रकार ये अपवाद प्रारंभिक रूप से निहित शर्तें हैं लेकिन साथ ही साथ आंग्ल विधि की जो मान्यता प्राप्त कैवियट इम्प्यूटर या क्रेता सावधान के नियम का कानून था उसके अपवाद के रूप में जाने जाते हैं तो अब हम इस व्याख्यान के उद्देश्य को देखें तो 1930 के अधिनियम के इस व्याख्यान की कड़ी में जो हमारा आज का व्याख्यान है इसका प्रमुख उद्देश्य कैवियट इंप्यूटर या क्रेता सावधान के सिद्धांत को समझना उसके इतिहास को देखना भारतीय संदर्भ में कैवियट इंप्यूटर के सिद्धांत का क्या महत्व है और वे कौन से आधार हैं जो कैवियट इम्प्यूटर के सिद्धांत का आधार बनते हैं साथ ही साथ कैवियट इम्प्यूटर के नियमों के अपवाद क्या हैं और किस प्रकार एक कैवियट इम्प्यूटर का सिद्धांत भारत में विकसित हुआ इस व्याख्यान में हम आगे देखेंगे कि भारत में यद्यपि कि कैवियट इम्प्यूटर का कोई सिद्धांत था नहीं बल्कि ये आंग्ल विधि का एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है परंतु भारतीय अधिनियम में 1930 के माल विक्रय अधिनियम में इसे धारा 16 में समाहित किया गया है परंतु कहीं भी इस प्रकार से नाम के रूप में इसका उल्लेख नहीं है इस प्रकार आज के इस व्याख्यान की कड़ी में हम क्रेता सावधान के नियम को इसके इतिहास को भारतीय इतिहास में यानी भारतीय विधिक इतिहास के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है और इन नियमों के अपवाद क्या हैं और इसके बाद समय रहते किस प्रकार यह नियम विक्रेता सावधान के नियम पर बदल गया इनको हम देखेंगे तो क्रेता सावधान के नियम को समझने के लिए हमें पहले 19वीं शताब्दी के उस प्रारंभिक दृष्टि और समाज को समझना होगा जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई जैसे जैसे तकनीकी क्रांति और वैश्विकीकरण का प्रयोग शुरू हुआ वाणिज्यिक लेन देन की संख्या में बढ़ोतरी होती गई उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति थी उसमें लगातार कई गुना वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में खुदरा खरीदारी शुरू हुई यानी जो निर्माताएं निर्माताओं के लिए धीरे धीरे आवश्यक भी कर दिया गया कि अगर वह किसी भी प्रकार के सामान या माल का उत्पादन करते हैं खास कर तब जब वो उनकी विशेष प्रकार की पैकेजिंग करते हैं कवर करते हैं तो उनसे पहले सामान्य अपेक्षा और बाद में विधिक रूप से अपेक्षा की जाने लगी कि उसके कवर पर या पैकेजिंग पर उसके कंटेंट के बारे में उसके विषय के बारे में उसमें किस प्रकार के सामानों का प्रयोग किया गया है और वह किस के काम के रूप में वह किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है इन सभी बातों को लिखना धीरे धीरे अनिवार्य कर दिया गया परंतु तो ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ उत्पाद अपने विवरण से मतलब पैकेजिंग पर जो लिखा हुआ विवरण है ऐसे विवरण के अनुकूल नहीं होता है अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए किसी विक्रेता से किसी क्रेता ने खुदरा माल के रूप में कोई वस्तु या सामान खरीदा और सामान्य अनुक्रम में एक वस्तु की जो गुणवत्ता होती है जो उसकी फिटनेस या क्वालिटी होती है जिसकी अपेक्षा एक क्रेता करता है अगर वस्तु या माल उस क्वालिटी या गुणवत्ता की नहीं हुई तो ऐसे में क्या उसके पास कोई उपचार उपलब्ध है अथवा उसे उस नुकसानी को सहना पड़ेगा अथवा ऐसा है कि विक्रेता उस नुकसानी के लिए उत्तरदायी होगा इन सभी प्रश्नों की खोज में अगर हम 19वीं शताब्दी में देखें तो आंग्ल विधि में एक सिद्धांत प्रचलित हुआ जिसे हम क्रेता सावधान के नियम का सिद्धांत कहते हैं अंग्रेजी में इसे ही हम कैबेट इम्प्टर का सिद्धांत कहते हैं जब कोई उपभोक्ता कोई उत्पाद खरीदता है तो उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता के लिए वह जोखिम उठाता है ऐसा इस सिद्धांत का सार है इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी उत्पादक किसी वस्तु किसी माल को खरीदता है तो वह इससे अपेक्षा करता है या उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसकी भली भांति परख कर ले वह यह देख ले कि उसके द्वारा क्रय किए जाने वाले वस्तु या उत्पाद में उसके अनुकूल या उसके उद्देश्य के अनुसार उसकी क्वालिटी है या नहीं क्योंकि एक बार जब माल संक्रांत हो गया अर्थात जब क्रेता ने उसके लिए कीमत अदायगी कर दी और विक्रेता द्वारा उसके स्वामित्व का अंतरण कर दिया गया तो इसके बाद विक्रेता उसके साथ कोई जोखिम नहीं उठाएगा और उसमें किसी भी कमी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा अर्थात यदि कोई निम्न गुणवत्ता का सामान या वस्तु भी किसी उत्पादक के रूप में किसी उपभोक्ता ने खरीदा तो इसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा विधि का यह सिद्धांत कैवियट इम्प्टर के नाम से जाना जाने लगा हालांकि इस समय के साथ कैवियट इम्प्टर के सिद्धांत में बदलाव हुआ और बहुत सारे ऐसे न्यायिक निर्णय आए जहां यह अपेक्षा की गई कि सिर्फ क्रेता को या उत्पादक को किसी माल की निम्न गुणवत्ता के लिए उस पर हम उत्तरदायी नहीं या उसको पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं माना जा सकता कुछ ना कुछ रूप में इसके लिए विक्रेता या जो मैन्युफैक्चरिंग या निर्माता है उनको भी उत्तरदायी होना चाहिए जिसे हम आगे कैवियट वेंडिटर के सिद्धांत के रूप में समझेंगे लेकिन कैवियट इम्टर या क्रेता सावधान के नियम को समझने के लिए हम थोड़ा इसके अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो शाब्दिक रूप से कैवियट इम्प्टर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कैवियट और इम्प्टर यहाँ कैवियट का अर्थ होता है सावधान होना या एक प्रकार की चेतावनी दूसरा इम्प्टर का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति किसी उत्पादन या उत्पाद का क्रय करता है सामान्य भाषा में जैसे क्रेता कहते हैं और इस प्रकार इस लैटिन व्याक्यांश का अर्थ है कि एक प्रकार की चेतावनी देना कि क्रेता सावधान रहे इसलिए सामान्य भाषा के क्रम में इसे हम क्रेता सावधानी का नियम भी कहते हैं इस प्रकार कैवियट इम्प्टर के सिद्धांत का अर्थ हुआ क्रेता सावधान दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब खरीदार या क्रेता किसी सामान को खरीदता है तो उसे स्वयं अपने हितों की जांच करनी चाहिए उसे स्वयं अपने हितों को ध्यान में रखना चाहिए यानी वस्तु या उत्पाद को खरीदते समय खरीदार से यह अपेक्षा की जाती है कि उस प्रकार की वस्तु को उसने सावधानी पूर्वक जांच कर ली है कि नहीं उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी विक्रेता को कीमत के बदले कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं जो उसके स्वयं के प्रयोग के लिए हैं अगर अंतरित की जाती हैं तो ऐसे में यदि उसमें किसी भी प्रकार की कमी होगी तो उसके लिए आप विक्रेता से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह उस सामान को बदले या संविदा को निराश्रित कर सके या उसके लिए होने वाले जोखिम को वह उठाए क्योंकि विक्रेता ने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि जो क्रेता द्वारा उससे कोई उत्पाद खरीदा गया है उसमें कोई कमी हो सकती है या विक्रेता से यह भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो उत्पाद उसके द्वारा क्रेता को कीमत के बदले अंतरण किया गया है वह क्रेता के लिए उसके उद्देश्य के अनुसार उसके अनुकूल थी या नहीं बल्कि यह क्रेता के ऊपर है और विधि द्वारा क्रेता से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जब कोई क्रेता विक्रेता से कोई वस्तु खरीदता है कीमत का भुगतान करता है और उस भुगतान के बदले उसे कुछ वस्तु वह स्वामित्व के अंतरण के साथ प्राप्त होती है तो यह सुनिश्चित कर ले कि कीमत का भुगतान वह उसी प्रकार की वस्तु या उसी वस्तु के लिए कर रहा है जो उसके उद्देश्य को पूर्ण करने में उपयोगी है या उसके लिए उद्देश्य पूर्ण है यानी अगर हम इस सिद्धांत को देखें तो वास्तव में हमें समझ में आता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जैसे जैसे तकनीकी और वाणिज्यिक व्यापार में बढ़ोतरी हुई औद्योगिक क्रांति में बढ़ोतरी हुई उस समय की समाज की क्या परिकल्पना थी वाणिज्यिक समव्यवहारों को लेकर के क्योंकि आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि बाजारवाद धीरे धीरे प्रभावी हो लोग क्रय करना शुरू करें लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और समाज में जो उस समय अगर आप सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण की चर्चा करें तो समाज में व्याप्त गरीबी को हटाने के लिए समाज में क्रय मूल्य को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से आवश्यक था कि वाणिज्यिक लेन देन को बढ़ावा मिल जाए शायद प्रमुख कारणों में से यह भी एक प्रमुख कारण था कि उस समय उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत हितों की बजाय व्यापार में व्यवसायियों के जो व्यवसायिक हित थे उनको कहीं ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और इसी प्रकार से कानून ने भी कैवियट इंप्यूटर के या जो आंग्ल सिद्धांत था या आंग्ल परिकल्पना थी उसको मान्यता प्रदान की और खरीदारी पर खरीदार करते समय जब भी कोई क्रेता खरीदारी करता है तो उसके ऊपर यह बोझ डाला गया कि पहले वह उत्पादों की जांच कर ले और जांच करने के बाद ही उसके लिए कीमत का भुगतान करे इस प्रकार क्रेता से अपेक्षा की जाने लगी कि वह अपने हितों की रक्षा खुद करे अपने हितों की रक्षा के लिए उसके लिए जो भी उचित जांच है उसे खुद करनी चाहिए और उसे ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा क्रय किया जाने वाला वस्तु या उत्पाद गुणवत्ता और स्थिति और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सही सिद्ध होगा और इसी के साथ ही धीरे धीरे आंग्ल विधि में कैवेट इम्पटार के सिद्धांत या क्रेता सावधान के सिद्धांत ने जन्म लिया और आगे बढ़ा कैवेट इम्प्टर के सिद्धांत के रूप में अगर हम किसी मान्यता प्राप्त इतिहास को देखें तो यदि हमें कोई ऐसी मान्यता प्राप्त इतिहास तो नहीं प्राप्त होता है कि क्रेता या कैवेट इम्प्टर का सिद्धांत कब लागू हुआ या सिद्धांत के रूप में इसका जन्म कब हुआ क्योंकि जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि यह उस समय की मानसिकता में था धीरे धीरे जब हमने व्यवसाय के हितों को प्राथमिक हित मानते हुए जो उत्पादन या उत्पाद या किसी क्रेता के हित हैं उस पर उसके व्यक्तिगत हितों पर मान्यता देना शुरू की तो उसी समय धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास शुरू हुआ और विधि द्वारा जितने भी ज्ञात तथ्य हैं उसमें अगर हम चर्चा करें तो कैविट इमटर के ज्ञात मामलों में एक मामला जिसे प्रथम मामले के रूप में प्रथम ज्ञात मामले के रूप में आप कह सकते हैं हमें चंदेलर बनाम ल्यूपस का मामला 1603 के आसपास मिलता है जिसमें एक विक्रेता ने जो वास्तव में इस वाद के लिए तो क्रेता था लेकिन वह एक मध्यवर्ती या विक्रेता के रूप में कार्य करता था उसने एक पत्थर यह सोचकर खरीद लिया कि यह एक बेजार पत्थर है बेजार पत्थर एक प्रकार का ऐसा पत्थर है जहाँ उस समय तत्कालीन समय में यह मान्यता थी कि बेजार पत्थर एक इस प्रकार का पत्थर होता है जिसमें कुछ चमत्कारिक या जादुई शक्तियाँ होती हैं यानी बेजार पत्थर को अगर आप घिस कर लें या उसको इस प्रकार प्रयोग करें तो उसमें ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि बीमार से बीमार व्यक्ति का वह इलाज कर सकता है और इसी लालच में कि यह बेजार पत्थर है उस विक्रेता ने उसको क्रय किया लेकिन क्रय करने के बाद जब उसका उपयोग शुरू किया तो पाया कि यह किसी भी प्रकार का चमत्कारिक गुण रखने वाला पत्थर नहीं है अर्थात सामान्य शब्दों में यह नकली पत्थर है जिसे बेजार पत्थर समझकर उसने खरीदा इसके लिए अब वह चाहता था कि वह संविदा का निरसन करा सके बेजार पत्थर को वापस करके विक्रेता से अपने धन की अदायगी जिसकी थी उसकी रकम को वापस कर लिए और जब उसे सामान्य अनुक्रम में अपने बेजार पत्थर को वापस करके धन को वापसी करने का मौका नहीं मिला तो उसने न्यायालय में एक मुकदमा या वाद दाखिल किया और 1603 में आए इस निर्णय में न्यायालय ने यह ज़रूर माना कि यह एक प्रकार से छल या षडयंत्र हो सकता है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई नकली पत्थर बना करके के बेजार पत्थर के नाम से बेच दिया गया लेकिन विक्रेता से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह इस बात की जांच करे बल्कि यह क्रेता का दायित्व तो था क्योंकि उसने कीमत का भुगतान किया है क्योंकि यह उसकी इच्छा है यह वह चाहता है कि ऐसा कोई चमत्कार या जादुई पत्थर उसे मिले तो उसे सतर्क रहना चाहिए था और उसे इस बात की जांच एवं पुष्टि कर लेनी चाहिए थी कि उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पत्थर में किसी विशेष प्रकार की चमत्कारी या जादुई सख्तियाँ हैं और इस प्रकार विक्रेता पर जो राशि को वापस करने का दायित्व ठहराने की बात थी न्यायालय ने उसे स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और ऐसा भी नहीं है कि इस निर्णय में कैविएट इम्प्टर जैसे शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन इस निर्णय का जो सार है वह स्पष्ट करता है कि न्यायालय भी तत्कालीन समय की जो व्यवसायिक गतिविधियों के समय जो समाज की मानसिकता थी वह उस पर भी हावी थी और न्यायालय में भी यह माना कि कैवियट इम्टर या क्रेता सावधान का नियम ही एक सर्वश्रेष्ठ नियम है जहां सिर्फ और सिर्फ क्रेता से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या संव्यवहार करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा खरीदा जाने वाला कोई भी माल या उत्पाद उसके अनुकूल है अथवा नहीं कैवियट इम्टर के सिद्धांत को धीरे धीरे बल मिलने लगा और कैविट इम्टर के सिद्धांत को लेकर के क्रेता आशंकित होने लगे और विक्रेताओं में एक प्रकार से ऐसी धारणा बन गई कि उनका काम मात्र उत्पाद या माल को बाज़ार में बेचना था उसकी क्वालिटी के बारे में उसकी गुणवत्ता के बारे में वह अपने दायित्व को वहीं तक समाप्त समझ लेते थे जितना उनसे पूछा गया या जितना क्रेता ने जानकारी चाही या एक प्रकार से अभी जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि कानून यह कहता था कि किसी भी वस्तु के बारे में उसके कवर या पैकेजिंग पर धीरे धीरे या इस प्रकार से कोई जो सारभूत तथ्य है वो बताना चाहिए इसका अर्थ यह भी है कि कोई ऐसा तथ्य है जो उसे क्वालिटी या उसकी विशेषताओं को कम करने वाला या नकारात्मक प्रकृति का है तो विक्रेता से ऐसी अपेक्षा आप नहीं कर सकते वह उसके बारे में बताए विक्रेता से अपेक्षा सिर्फ उसी संदर्भ में कर सकते हैं यदि क्रेता ने सामान्य जाँच पड़ताल में कुछ प्रश्न किए कुछ जानना चाहा तब विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह छल करेगा षड्यंत्र करेगा या झूठ बोलेगा अर्थात सामान्य परिस्थितियों में विक्रेता का दायित्व तो सिर्फ उन प्रश्नों का उत्तर देना या उनके प्रभाव के बारे में बताना था जितना क्रेता जांच पड़ताल करना चाहता है ऐसे में प्रश्न आता है कि कैवेट इम्प्टर के सिद्धांत के दायरे को हम कहाँ तक देखते हैं क्या कैवेट इम्प्टर के सिद्धांत का फ़ायदा लेकर के विक्रेता कुछ भी कर सकता है क्या छल और षड्यंत्र जैसे कार्य भी कैवेट इम्प्टर शब्द के दायरे में आ जाएंगे या क्या क्रेता हमेशा अपने आप को ठगा ही महसूस करता रहेगा इन सभी प्रश्नों के क्रमिक उत्तर हमें कालांतर में विभिन्न निर्णयों से मिले अगर हम कैवेट इम्प्टर के विषय क्षेत्र या इसके दायरे को समझना चाहें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण वाद हैं जिनकी चर्चा करना यह समीचीन होता है सबसे पहला बात अट्ठारह में हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा दिए गए निर्णय वार्ड बनाम हॉब्स को देखने में मिलता है वार्ड्स बनाम हॉब्स का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें कुछ सुअरों की बिक्री की जानी थी कुछ पिक्स की बिक्री करते समय जब उन सुअरों की बिक्री की गई तो उन सुअरों में बिक्रय करने के बाद स्वामित्व तो अंतरण होने के बाद क्रेता ने उनके प्रयोग में यह पाया कि उसमें या जो कुछ ऐसे विषाणु या उन सुअरों में कुछ ऐसे विषाणु थे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे या संक्रमणकारी थे यानी कि सामान्य शब्दों में जो सुअर बेचे गए थे क्रेता ने जिन सुअरों को प्राप्त किया था वह स्वस्थ सुअर की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए इस मामले में जब नुकसानी के बाद के लिए मामला कोर्ट में आया न्यायालय में आया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपने निर्णय देते समय कैवियट इंप्टर के सिद्धांत को जिसका अवलंबन विक्रेता ने लिया था और विक्रेता का कहना यह था कि किसी भी क्रय या विक्रय की परियोजना में या अनुबंध में विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उस वस्तु के बारे में कोई गुणवत्ता स्वीकारे कोई शर्त या वारंटी दे बल्कि यह चूंकि क्रेता का अधिकार और क्रेता का दायित्व तो है कि उस माल के संदर्भ में अपनी सुनिश्चितता उसकी जांच, अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण कर ले इसलिए इसमें इसका कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं सुनिश्चित होना चाहिए अब न्यायालय ने इस मामले में कैवेट एम्प्यूटर या क्रेता सावधान के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसे बड़े स्पष्ट शब्दों में इसके दायरे को सुनिश्चित किया और हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि यह बिल्कुल सत्य है कि यह किसी भी प्रकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई भी विक्रेता अपने उत्पाद या माल या वस्तु में यदि कोई कमी है तो उसे जान कर छिपाए क्योंकि अगर जान कर किसी कमी को छुपाया जाता है तो निश्चित रूप से यह क्रेता के साथ अन्याय होगा लेकिन क्रेता सिद्धांत या क्रेता सावधान के सिद्धांत का अर्थ यह भी है कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी विक्रेता से ही अपेक्षा करें कि यदि उसके माल में कोई कमी है तो वह उसके दोषों को सबको बताता हुआ फिरे अर्थात सामान्य रूप से वार्ड बनाम हॉप्स के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड ने इसके सब्जेक्ट मैटर या इसके स्कोप या विषय क्षेत्र को सीमित करते हुए कहा कि कैवियट इंटर या क्रेता सावधान नियम का विषय क्षेत्र इस बात तक सीमित है कि बिना किसी मेलाफाइड या असद्भाव के जब तक आवश्यकता ना हो विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने उत्पाद की कमी लोगों को बताता फिरे बल्कि यदि उसके उत्पाद में कोई कमी है तो यह क्रेता का दायित्व है कि उसकी जांच परख कर ले कि क्या उस उत्पाद में होने वाली इस प्रकार की कमी उस क्रेता के उपयोग में या उद्देश्य के लिए क्या अनुकूल होगी अथवा नहीं होगी इसी प्रकार एक और निर्णय में कुछ समय बाद 1902 में अपीलीय न्यायालय के सामने वालिस बनाम रसेल का मामला आया जिसमें पुनः कैविट इम्टर के सिद्धांत के दायरे को या सीमा विस्तार को बताते हुए अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कैवियट इम्टर के कानून का अर्थ यह नहीं है कि कोई खरीदार मौका ले रहा है यानी नॉट टू गेट चांस बल्कि इसका अर्थ है ड्यूटी टू टेक केयर या उसे ध्यान रखना चाहिए वालिस बनाम रसेल का मामला एक ऐसा मामला था जिसमें एक व्यक्ति अपनी पौत्री के साथ जा करके कुछ क्रैप्स या केकड़ों की खरीदारी करता है जो खाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले होते हैं और उसने जब केकड़ों को सप्लाई या आपूर्ति लिया लेने के बाद जब वह उसका सेवन करता है तो उसके बाद बीमार हो जाता है यानी निश्चित रूप से जो केकड़े उसको बेचे गए थे उस दादी औरत तो उसके पुत्री को उसमें किसी भी रूप में गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कोई कमी थी न्यायालय के सामने यह प्रश्न था क्या इस कमी के लिए क्रेता को दोषी माना जाए क्योंकि उसने ध्यान नहीं रखा या विक्रेता से यहाँ कोई अपेक्षा की जा सकती थी विक्रेता का सीधा कहना था कि यहाँ पर क्रेता सावधान का नियम लागू होगा और क्रेता सावधान के नियम को लागू करते समय आपको देखना होगा कि आप विक्रेता से अपेक्षा करने की बजाय क्रेता के ऊपर या दायित्व का निर्धारण करें कि वह जिस वस्तु को खरीद रहा है या जिस माल का वह क्रय कर रहा है उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करें तब न्यायालय ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपीली न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि क्रेता सावधान का नियम बिल्कुल वास्तविक नियम है लेकिन इसमें इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उस पर कोई जबरदस्ती का दायित्व तो या बोध डाला जाए यह एक सामान्य सिद्धांत है जिसमें क्रेता से मात्र अपेक्षा की जाती है कि जब भी वह कोई सामान खरीदे तो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखे कि उसके द्वारा जो वस्तु क्रय की जा रही है वह उसके उपयोग के लिए उचित है या नहीं जबकि इसका अर्थ इस रूप में कतई नहीं लेना चाहिए कि यह गाइड टू गेट चांस या एक प्रकार का मौका लेना है मतलब आप रिस्क या जोखिम लेने के लिए कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं यदि कोई क्रेता किसी विक्रेता से कोई सामान या वस्तु खरीदता है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह जोखिम की ओर बढ़ रहा है या उसे जोखिम या विधि उसे जोखिम की ओर ढकेल रही है इसलिए अपने न्यायालय ने साधारण से शब्दों में कहा कि खरीदार को मौका लेना चाहिए यह अर्थ लगाने की बजाय इसे इस रूप में समझना चाहिए कि खरीदार को ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार कैव्य टिम्प्टर का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपभोक्ताओं को खरीदारी करने से पहले उस उत्पादन की उस उत्पाद की उस माल की पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए और एक बार संतुष्ट होने के बाद ही उत्पाद उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं उसके अनुसार उस समव्यवहार में आगे बढ़ना चाहिए कैवे टिम्प्टर के सिद्धांत की व्याख्या अभी जो हम लोग देख रहे हैं यह वास्तव में आंग्ल विधि के सिद्धांत पर आधारित है और इसकी मान्यता आंग्ल विधि में ही थी क्या भारत में भी इस प्रकार का कोई सिद्धांत उपलब्ध है या भारतीय विधि में इस प्रकार का कोई सिद्धांत है यदि भारतीय विधि में इस सिद्धांत की चर्चा करें तो भारत में कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी अधिनियम या संविधि में कैवियट इम्प्टर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन माल विक्रय अधिनियम 1930 में भारतीय कानून के तहत कैवियट इम्प्टर के सिद्धांत को शामिल किया गया है अधिनियम की धारा 16 इस बात का उल्लेख करती है कि इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन आपूर्ति की गई वस्तुओं में किसी विदेश या स्पेशल उद्देश्य या गुणवत्ता या उसकी उपयुक्तता के संबंध में कोई निहित शर्त अथवा वारंटी नहीं होगी अर्थात यदि धारा 16 को जो हमारी विधि अधिनियम में यानी माल विक्रय संविदा की धारा 16 है उसका प्रथम पैराग्राफ पढ़ें तो मात्र एक साधारण सा सिद्धांत या कथन देखने को मिलता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि जो किसी वस्तु की गुणवत्ता है या उसकी उपयोगिता है या उसकी उपयुक्तता है इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई भी निहित शर्त अथवा वारंटी नहीं होगी या ऐसे कह सकते हैं कि विधि द्वारा यह प्राधानित है कि धारा 16 के अंतर्गत जब माल विक्रय की कोई संविधा होती है तो धारा 16 यह मान्यता देती है कि आप किसी विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं करेंगे कि विक्रेता उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता के संबंध में कोई निहित शर्त या वारंटी आपको दे रहा हो परंतु इस सिद्धांत को अगर हम ठीक से एक बार समझने की कोशिश करें तो यद्यप कि इसमें कहीं से भी कैविएट इटर या क्रेता सावधान के नियम को लिखा नहीं गया है लेकिन यह उसी नियम का सार है जिसे हम क्रेता सावधान के नियम में समझ रहे हैं एक तरफ जहां हमने देखा था कि क्रेता सावधान का जो आंग्ल विधि का नियम था उसमें क्रेता के ऊपर यह अपेक्षा की गई थी कि वह जब भी किसी वस्तु को खरीदता है या माल का क्रय करता है तो यह उसका उत्तरदायित्व वह जिम्मेदारी है कि वह ध्यानपूर्वक उचित जांच करने के पश्चात अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले वस्तुओं की ही खरीदारी करे बिल्कुल उसी तरह इस अधिनियम की धारा सोलह में इसी दूसरे रूप में लिखा गया है कि जब कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेचता है या विक्रेता के अंतर्गत यहाँ मैन्युफैक्चरर सप्लायर इत्यादि सभी की परिकल्पना की गई है तो यह विधि कल्पना नहीं करती है कि उसके संदर्भ में विशेषकर उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता के संदर्भ में किसी निहित शर्त या वारंटी दी जाए यानी कि यहाँ भी एक प्रकार से यही अर्थ है कि किसी भी वस्तु में जिसका उत्पाद या जिसका माल की क्रेता को दिया जा रहा है उसके संदर्भ में उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में कोई निहित शर्त या वारंटी नहीं होगी यानी कि यह या क्रेता का दायित्व है कि क्रय करने के पहले सावधानी पूर्वक परीक्षण कर ले क्योंकि एक बार कीमत के की अंतरण के बाद माल में स्वामित्व का अंतरण हो गया तो उसमें किसी भी निहित शर्त और वारंटी के ना होने के कारण उसमें होने वाले सभी जोखिमों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा यानी जब कोई उत्पाद बिक्री के अनुबंध के तहत बेचा जाता है तो कानून यह नहीं मानेगा कि इसे फिटनेस या गुणवत्ता के आधार पर किसी शर्त या वारंटी के अधीन बेचा गया है यह मात्र उपभोक्ता ही है जिसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उस वस्तु के या माल के गुणवत्ता की उचित जांच कर ले और खुद को संतुष्ट करना होगा यदि उत्पाद उसकी अपेक्षाओं को या उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित है उपयोगी है तभी ऐसी वस्तुओं की खरीदारी की जानी चाहिए परंतु भारतीय विधि में जो धारा सोलह के अंतर्गत यह नियम या एक सामान्य सिद्धांत दिया गया है यह पूर्णकालिक सिद्धांत नहीं है यह ऐसा सिद्धांत नहीं है कि जिसे पूर्ण रूप से बिना किसी अपवाद के हम लागू कर सकें धारा 16 में उपभोक्ता कानून आने के बाद और उपभोक्ता कानून आने के पहले भी जैसे जैसे विभिन्न निर्णयों में हमने देखा था कि आंग्ल विधि में कैवेट इंप्टर के सिद्धांत को सीमित करने की कोशिश की गई भारत में संविधिक रूप से इस अधिनियम में धारा 16 के इस कथन के साथ ही साथ कुछ अपवाद भी दे दिए गए और यह अपवाद एक प्रकार से वही निहित शर्तें और वारंटियां हैं जिनकी अपेक्षा सामान्य रूप से धारा 16 में नहीं की गई यानी धारा सोलह को एक बार अगर हम फिर से पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें स्पष्ट इस रूप से लिखा होगा कि नीचे दिए गए अपवादों के अधीन रहते हुए या इस उपबंध या इस अधिनियम के अपवादों के अधीन रहते हुए इसका अर्थ है कि यह एक सामान्य परिकल्पना या एक सामान्य कथन सामान है कि जब भी किसी वस्तु का क्रय किया जाना है या विक्रय का संव्यवहार किया जाना है तो उस वस्तु के फिटनेस या क्वालिटी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई शर्त या वारंटी नहीं रहेगी लेकिन इस कथन के कुछ अपवाद हैं यानी उन अपवादिक दशाओं को छोड़कर तो इसका अर्थ हम यह भी कह सकते हैं कि कैवियट इम्प्टर के सिद्धांत जिसे हम धारा सोलह में समाहित मान रहे हैं यानी धारा सोलह के दिए गए सामान्य कथन के अपवादों को ध्यान में रखना होगा और धारा सोलह के दिए गए अपवाद वे विहित शर्तें या वारंटियाँ हैं जो निहित शर्तें और वारंटियों के अंतर्गत आते हैं इसीलिए सामान्य भाषा में हम इसे कैवियट इम्प्टर के सिद्धांत के अपवाद के रूप में भी समझते हैं तो यदि कैवेट इम्पिटर के सिद्धांत के अपवादों की हम चर्चा करें तो वास्तव में धारा सोलह में दिए गए अपवादों की चर्चा करना समीचीन होगा धारा सोलह के उपधारा एक यानी जो धारा सोलह में दिए गए सामान्य कथन है उसके पहले अपवाद को हम देखें तो बड़ा स्पष्ट है कि क्वालिटी या योग्यता के बारे में कोई विवच्छित शर्त क्या अपवाद के रूप में स्वीकार की जाएगी या जहाँ की क्रेता जो किसी विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए वह कोई माल अपेक्षित है विक्रेता को विवच्छित या अभिव्यक्त रूप से ज्ञात करा देता है और जिससे यह दर्शित होता है कि वह विक्रेता के विवेक बुद्धि और कौशल पर भरोसा कर रहा है और माल उस वर्णन का है जिस वर्णन का माल प्रदाय विक्रेता सामान्य कारोबार के अनुक्रम में करता है यह ध्यान देने योग्य है कि विक्रेता का तात्पर्य मात्र विक्रेता ही नहीं बल्कि विनिर्माता उत्पादक भी हो सकता है वहाँ यह विवच्छित शर्त होगी कि माल ऐसे प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगा अर्थात धार, धारा सोलह का प्रथम अपवाद यह सुनिश्चित करता है और उन परिस्थितियों की चर्चा करता है कि कब किसी वस्तु की गुणवत्ता के बारे में विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे गए या अंतरित किए गए माल में उसकी क्वालिटी के बारे में या योग्यता के बारे में विविच्छित शर्त तो होगी उसके लिए सामान्य सा कथन है कि जब विक्रेता खरीदार को उस वस्तु के उपयोग के बारे में या उसके उद्देश्य के बारे में ज्ञान से परिचित करा देता है या अपने उद्देश्य को बता देता है जिसके कारण किसी वस्तु को वह खरीद रहा है तो वह व्यक्ति या विक्रेता जो इस प्रकार के वस्तुओं को अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बेचता है उसके ऊपर वह दायित्व होगा कि वह उस प्रकार की वस्तुओं को अंतरित करे जिसका उद्देश्य यानी जो क्रेता के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक हो अर्थात वस्तु की क्वालिटी या गुणवत्ता उसके अनुरूप हो लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह तभी संभव है यह अपवाद तभी लागू किया जा सकता है जब वर्णन के अनुसार माल को क्रेता द्वारा अपने उद्देश्य को पहले बता करके उस विक्रेता के बुद्धि और विवेक पर विश्वास करते हुए उस माल का क्रय किया गया है यानी क्रेता सावधान नियम के जो पहला अपवाद है इसको लागू करने के लिए हमें तीन शर्तें देखनी पड़ेंगी सामान्य रूप से यदि कोई क्रेता विक्रेता के साथ या विक्रेता के क्रय करने के बाद यदि किसी वस्तु के गुणवत्ता या क्वालिटी के बारे में धारा सोलह एक के अपवादों का सहारा लेना चाहता है तो उसे तीन बातें सिद्ध करनी होंगी पहला कि उस क्रेता ने विक्रेता को उस विशेष उद्देश्य के बारे में ज्ञात करा दिया था या उसका परिचय करा दिया था जिसके लिए उसने उस माल को या वस्तु को खरीदा है दूसरा वह विक्रेता के कौशल और निर्णय पर भरोसा करते हुए उस माल को लिया है और तीसरा सामान या वस्तु का विवरण ऐसा होना चाहिए जैसा वह विक्रेता अपने व्यापार के सामान्य अनुक्रम में जिस प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति करता है इसका एक अच्छा उदाहरण शीतल कुमार सैनी बनाम सतवीर सिंह के बाद में हमें देखने को मिलता है जहाँ याचिकाकर्ता ने एक वर्ष की वारंटी के साथ एक कंप्रेसर खरीदा और उस फ्रिज के कंप्रेसर में तीन महीने में ही खराबी आ गई विक्रेता ने यद्यप कि उसके कंप्रेसर को बदल तो दिया लेकिन कोई अतिरिक्त गारंटी उस पर नहीं दी राज्य आयोग ने इसे खारिज करने की अनुमति दी और धारा 16 के तहत एक निहित वारंटी को बताते हुए राज्य आयोग ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उचित रूप से फिट होना चाहिए यानी कि मात्र पुराना कंप्रेसर बदल कर नया कंप्रेसर बदल देने से ही दायित्व की पूर्ति नहीं हो जाती अब जबकि नया कंप्रेसर दिया गया है वह भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए जिस क्वालिटी का पहले कंप्रेसर दिया गया था यानी पहले कंप्रेसर में अगर एक निश्चित सीमा तक एक वारंटी शामिल थी तो उसके खराब हो जाने की दशा में बदले गए कंप्रेसर पर भी उतनी ही अपेक्षा की जानी चाहिए उतने ही समय अवधि के गारंटी अथवा वारंटी की अपेक्षा की जा सकती है और ऐसा होना चाहिए और यह धारा सोलह एक के प्रथम अपवाद के अंतर्गत क्रेता को एक क्वालिटी या गुणवत्ता परख समान पाने का अधिकार देती है इसी प्रकार फ्रास्ट बनाओ पेसिलरी डेयरी कंपनी के बाद में क्रेता ने अपने उपयोग के लिए दूध का क्रय किया परंतु उस दुग्ध में कुछ ऐसे वायरस या कीटाणु थे जिसका सेवन करने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये थी कि जब दूध का क्रय किया जाना था तो उसके प्रयोग उपयोगिता और उसके आधार के बारे में उसके उद्देश्य के बारे में उसके प्रयोजन के बारे में उसने अर्थात क्रेता ने विक्रेता को बताया था अतः जब विक्रेता प्रतिकर देने से मना कर देता है तो न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी वस्तु को क्रेता ने क्रय किया और उस वस्तु की उपयोगिता और उद्देश्य को बताते हुए वर्णानुसार विक्रय में क्रय किया तब क्रेता के विवेक बुद्धि और कौशल पर विश्वास करने के बाद किसी माल को लेने पर विक्रेता को यह जोखिम उठाना पड़ेगा और धारा 16 की उपधारा एक अर्थात पहला अपवाद यह सुनिश्चित करेगा कि माल जिस वर्णन का हो उसकी गुणवत्ता भी उसी प्रकार की होनी चाहिए एक प्रश्न यहाँ सामान्य रूप से यह भी आता है कि क्या प्रत्येक बार धारा 16 की उपधारा एक का अपवाद लेने के लिए क्रेता को यह सिद्ध करना ही पड़ेगा कि उसने जिस उद्देश्य के लिए माल खरीदा है उस उद्देश्य के बारे में उसने क्रेता को यानी विक्रेता को बताया है यानी क्योंकि जो सामान्य अनुक्रम है कि यदि एक सामान्य कारोबारी एक जो अपने कारोबार के क्रम में वस्तु का उत्पादन करता है या उसको विक्रय करता है क्रेता ने यदि ऐसे ही व्यवसाय से कोई वस्तु या उत्पाद खरीदा तो ऐसे में उसके पास एक विकल्प होता है कि वह स्वयं अपने निर्णय पर भरोसा करे और दूसरा विकल्प है कि यदि वह चाहे तो विक्रेता के निर्णय या कौशल पर भरोसा करे वह इसलिए क्योंकि विक्रेता सामान्य अनुक्रम में ऐसे उत्पादों को बेच रहा है अब मान लीजिए कि विक्रेता ने उसके यानी विक्रेता के सामान्य अनुक्रम पर बेचने वाले माल के संदर्भ में क्रेता ने विक्रेता के बुद्धि कौशल और विवेक पर भरोसा करते हुए कोई उत्पाद खरीद लिया और उत्पाद खरीद लेने के बाद यदि उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता उसके अनुकूल नहीं थी तो क्या विक्रेता को यह कथन करने के लिए अधिकार दिया जाएगा कि भाई क्रेता द्वारा मुझे इसके उद्देश्य को नहीं बताया गया सामान्य रूप से विक्रेता ऐसा अवलंबन ले सकता है कि क्रेता ने यह नहीं बताया था कि किस उद्देश्य के लिए उसे माल या उत्पाद चाहिए अगर उसने शायद ऐसा बताया होता तो उसके द्वारा लिया गया जो निर्णय है उसके विवेक में कुछ परिवर्तन होता और वह कल अन्य प्रकार के माल को दिखाता लेकिन प्रत्येक परिस्थिति ऐसी नहीं हो सकती कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब कुछ ऐसे वस्तु या उत्पाद के बारे में चर्चा की जाती है या उसके उद्देश्य के बारे में बताया जाता है जो सर्वमान्य है जिसे सामान्य अनुक्रम में सभी व्यक्ति जानते हैं यानी कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं है कि क्रेता विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को ज्ञात ही कराए कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता प्रकृति या उसके प्रयोग के इत्यादि से संबंधित जो तथ्य हैं वो विवच्छित रूप से सभी को ज्ञात होते हैं जैसे राघव बेन कुटप्पन नैय्यर के मामले में क्रेता ने दुकानदार से एक घड़ी खरीदी घड़ी का क्रय करने के बाद उसमें जब कमी आ रही थी और घड़ी समय को ठीक से नहीं बता रही थी तो विक्रेता से इसे बदलने के लिए अनुमोदन किया गया विक्रेता द्वारा उस घड़ी को ठीक भी किया गया परंतु पुनः वह घड़ी ख़राब हो गई और बार बार ऐसा होने पर अब विक्रेता से क्रेता द्वारा उस घड़ी को वापस करने का निवेदन और उसके बदले में अपने जो क्रय की गई मूल्य है उसकी वापसी के लिए निवेदन किया गया मामला न्यायालय में जाता है और इस मामले में जो विक्रेता है वह क्रेता सावधान के सामान्य नियम का सहारा लेते हुए कहता है कि इस क्रम में जब क्रेता ने किसी भी प्रकार से इसके उद्देश्य को नहीं बताया था कि वह घड़ी किस लिए ली जा रही है न्यायालय ने कहा यह एक हास्यास्पद विषय होगा कि किसी व्यक्ति विशेषकर क्रेता को यह बताया जाए कि घड़ी का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में विक्रेता को विशिष्ट प्रयोग की जानकारी दी जाए कुछ माल या उत्पाद या वस्तु ऐसे होते हैं जिसके प्रयोजन की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को रहती है और यदि उत्पाद इस श्रेणी का है तो ऐसे उत्पाद के प्रयोजन के बारे में बताना आवश्यक नहीं है इसके और भी छोटे छोटे कई उदाहरण हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक डेंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि उसके मुंह में फिट होने वाले दांतों की एक श्रेणी बनाई जाए अब ऐसे में यदि दांत इस प्रकार के नहीं हैं जो उसके मुँह में फिट हो जाए तो क्या विक्रेता को यह अवलंबन लेने का सहारा दिया जा सकता है कि उसे पता नहीं था कि यह नकली दांत किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है इस प्रकार क्रय करते समय वस्तु की उपयोगिता या प्रयोजन जब अपने आप स्पष्ट हो तो क्रेता द्वारा प्रयोजन की जानकारी देना आवश्यक नहीं रह जाता है इसी प्रकार एक और मामला ग्रांट बनाम ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल की कंपनी का आता है जहां क्रेता ने विक्रेता से पैंट के नीचे खरीदने वाले या पहनने वाले जो अंडर पैंट हैं जो कि विक्रेता की मिल से ही बने हुए थे उस अंडरगारमेंट को पहनने के कारण क्रेता को एक चर्म रोग या जिसे डर्मेटाइटिस के नाम से सामान्य भाषा में जानते हैं उसकी बीमारी हो गई क्योंकि विक्रेताओं ने उसमें जो निर्माताओं के द्वारा उस जो अंडरपेंट को बनाया गया था उसमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया गया था जिससे यह चर्म रोग हो सकता था परंतु मिल में बनने के बाद उस कपड़े से उस कपड़े की ठीक से वॉशिंग या धुलाई नहीं की गई थी जिसके कारण उस पैंट को पहनने से डर्मेटाइटिस का रोग वादी को हो जाता है इस मामले में विक्रेता ने यह तर्क दिया कि क्रेता ने अपना प्रयोजन नहीं बताया था ना ही उसने उस विक्रेता के बुद्धि एवं कौशल पर भरोसा किया था प्रीवी काउंसिल ने इस मामले में निर्णय दिया कि विक्रेता नुकसानी का प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा क्योंकि विशिष्ट प्रयोजन ज्ञात करना यह आवश्यक नहीं है यह वस्तु के क्रय से विवक्षित होता है लार्ड राइट ने इसमें अपने शब्दों में उसके अगर हम निर्णय को देखें तो अपना तर्क रखते हुए स्पष्ट किया कि निसंदेह रूप से यह आवश्यक है कि क्रेता विक्रेता के कौशल बुद्धि एवं विवेक पर भरोसा करे परंतु यह तब आवश्यक नहीं है जबकि प्रत्येक स्थिति में विश्वास स्पष्ट रूप से बता दी, यानी क्रेता जब दुकान पर विश्वास करके जाता है तो विक्रेता प्राय ऐसे माल को विक्रय करता है यह विश्वास होना चाहिए यानी जिस माल को लेते समय विक्रेता और क्रेता के सामान्य अनुक्रम में यह विश्वास हो कि यह किस प्रयोजन का है और सामान्य अनुक्रम में यह किस प्रकार के लिए प्रयोग में लाना है अगर यह एक सामान्य भाव की जानकारी है तब क्रेता के ऊपर यह दायित्व तो नहीं डाला जा सकता कि वह यह कहे कि माल उसे किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए लेकर जाना है और विक्रेता को भी इतना अधिक अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह धारा सोलह एक के प्रथम अपवाद से अपने आप को बचाने के लिए और क्रेता सावधान के नियम का सहारा लेने के लिए इस प्रकार का तर्क दे सके कि उसे मालूम ही नहीं था कि यह वस्तु या सामान किस कार्य के लिए या किस प्रयोजन के लिए प्रयोग होना था हाँ मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है मान लीजिए इसी उदाहरण में में जिसमें ग्रांट ऑस्ट्रेलियन निटिंग कंपनी एक व्यक्ति ने एक अंडर पैंट खरीदी और उसमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया या उस रसायन के कारण उसे कुछ बीमारी हो गई ऐसा भी हो सकता था कि यह एक सामान्य रसायन होता जिसके शरीर पे संपर्क में आने से त्वचा पर कोई सामान्य फर्क नहीं पड़ता यानी कि कुछ ऐसे रसायन भी हो सकते हैं या मान लीजिए वह रसायन ना भी होते और उस कपड़े की क्वालिटी या गुणवत्ता इस प्रकार की होती कि सामान्य रूप से पहने जाने पर त्वचा पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि यह प्रभाव इस व्यक्ति को इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी स्किन व त्वचा थोड़ी अधिक संवेदनशील थी ऐसे में सामान्य रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति की त्वचा सामान्य त्वचा से अधिक संवेदनशील है और अधिक संवेदनशील होने के कारण किसी कपड़े को पहनने से उसे डर्मेटाइटिस या त्वचा रोग जैसी बीमारी होती है तब विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उसकी वाणिज्यिक क्वालिटी के बारे में कोई विवचित शर्त अलग से रखे क्योंकि धारा 16 की उपधारा एक का अपवाद निश्चित रूप से स्पष्ट करती है कि बुद्धि एवं कौशल पर भरोसा किया जाना चाहिए और बुद्धि एवं कौशल पर भरोसा तभी संभव है जब क्रेता द्वारा सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई जाएं यदि क्रेता द्वारा यह तथ्य नहीं बताया जाता है कि उसकी त्वचा या स्किन विशेष प्रकार की संवेदनशील त्वचा है तो सामान्य अनुक्रम में सामान्य विवेक का प्रयोग करते हुए यदि क्रेता ने उस माल को दिया होता तो धारा सोलह एक के अपवादों के अंतर्गत न आकर वह क्रेता सावधान सामान्य नियम का अवलंबन का सहारा ले सकता था एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस समय माल के प्रयोजन को बताना महत्वपूर्ण हो जाएगा जब माल के एक से ज्यादा प्रयोजन हो यानी जब माल के प्रयोजनों में उसके विशिष्ट प्रयोजनों में कई सारे प्रयोजन हो अर्थात माल इस श्रेणी का है या इस प्रकार का है कि उसके कई प्रकार के उपयोग हो सकते हैं तब ऐसे में क्रेता को चाहिए कि अपना विशिष्ट प्रयोजन बता दे, जैसे एंड्री यूल कंपनी के बाद में पैकिंग कपड़ा खरीदा जो खाद्य पदार्थ के लिए उपयुक्त नहीं था न्यायालय ने कहा कि यद्यप कि जो कपड़ा दिया गया था वो पैकिंग के लिए उपयुक्त था लेकिन मात्र इसलिए क्योंकि उस कपड़े का प्रयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग में किया गया और वह उस क्वालिटी का नहीं था तो तब तक धारा सोलह एक के अपवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रयोजन के रूप में ना बता दिया गया हो कि यह कपड़ा इस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ की पैकिंग के लिए प्रयोग करना है इस प्रकार कैविट इंप्यूटर के नियमों के अपवाद के रूप में जो पहला अपवाद है उसमें एक परंतुक भी है जो बहुत स्पष्ट है कि कभी कभी खरीददार जब विक्रेता के कौशल के निर्णय पर आधार पर विश्वास करने के बजाय वह अपने स्वयं के द्वारा निर्णय लेकर किसी ब्रांड विशेष पर भरोसा करता है तब ऐसे मामले में विक्रेता पर गुणवत्ता की जिम्मेदारी का बोझ डालना अनुचित होगा 1930 सौ तीस माल विक्रय अधिनियम की धारा 16 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत इसीलिए एक परंतुक है कि किसी निर्दिष्ट वस्तु की पेटेंट में या उसके नाम के तहत बिक्री के अनुबंध के मामले में किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता के संबंध में कोई निहित शर्त नहीं होती है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी क्रेता ने किसी विक्रेता से कार खरीदी और उस कार में कोई क्रमिक दोष था तो उसके कारण उसकी क्वालिटी में कोई कमी थी तो धारा सोलह एक के अपवाद में वह आ जाएगा यदि उसने उसके बुद्धि और कौशल पर भरोसा करते हुए किया जैसा कि पहले पुराने व्याख्यान में हमने बुगाटी कार के मामले में देखा परंतु यदि भरोसा बुद्धि कौशल पर करने की बजाय किसी ब्रांड पर किया गया और किसी विशेष प्रकार की ब्रांड के कार को क्रेता ने विक्रेता से खरीदा तब यह नहीं कहा जा सकता कि क्रेता ने उस विक्रेता के बुद्धि ओम कौशल पर विश्वास किया और धारा सोलह एक का अपवाद लागू नहीं होगा इसी प्रकार इसी अपवादों के क्रम में धारा सोलह के अपवाद द्वितीय की श्रेणी में धारा सोलह के दो में व्यापारिक गुणवत्ता से संबंधित अपवाद का विस्तार किया गया है कैवे टिमटर के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण अपवाद धारा सोलह की उपधारा दो में है जिसके अनुसार जब कोई वस्तु या उत्पाद किसी विक्रेता से विवरण के अनुसार खरीदा जाता है और वह उस प्रकार के सामानों का व्यापार करता है जो है एक निश्चित शर्त होती है कि वह माल व्यापारिक गुणवत्ता का होगा यहाँ व्यापारिक गुणवत्ता का क्या अर्थ है व्यापारिक गुणवत्ता का समान अर्थ होता है यदि उस वस्तु या सामान को पुनर्विक्रय के लिए खरीदा जाए तो उस नाम या विवरण के अनुसार वह इतना सक्षम होना चाहिए कि उसे मार्केट में या बाज़ार में पुनर्विक्रय किया जा सके यानी सामान्य रूप से व्यापारिक गुणवत्ता का अर्थ है जिसे बाजार में उसी माल को उसी रूप में पुनर्विक्रय करने का अवसर मिले धारा सोलह की उपधारा दो जो द्वितीय अपवाद की चर्चा करती है उसमें जिस व्यापारिक गुणवत्ता की बात की गई है उसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं व्यापारिक गुणवत्ता को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना होगा व्यापारिक गुणवत्ता में दो तथ्य जरूर शामिल होते हैं एक होता है उसकी विपणन योग्यता और दूसरा हो सकता है सामान्य उद्देश्य के लिए उसकी उपयोगिता विपणन योग्यता का अर्थ है कि माल विपणन के योग्य है इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि माल को बाजार में दोबारा विक्रय किया जाए बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि वह उसके उचित प्रयोग के लिए है और उसमें अगर कोई दोष है तो वह ऐसे नहीं है जो सामान्य जांच में पाए जा सकते हैं और दूसरा व्यापारिक गुणवत्ता का अर्थ है यदि सामान स्व उपयोग के लिए है तो उसे इस उद्देश्य के लिए उचित रूप से फिट होना चाहिए जिसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है जैसे प्रिस्ट बनाम लास्ट के बाद में वादी ने जिसने गर्म बोतल की करने वाली एक बोतल खरीदी और जिसे शरीर में गर्मी देने के लिए प्रयोग किया जाता था उसमें ब्लास्ट में होने के कारण उसके पत्नी की झुलस गई इसमें विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया गया इसी प्रकार के एक वाद मैकेजी बनाम यागेंद्र के वाद में आता है जिसमें प्रतिवादी जो कि कार डीलर होता है और उसे पता चलता है कि वादी द्वारा कुछ कार की खरीददारी की जानी है तो वह उससे संपर्क करके कहता है कि आप प्लाई माउथ कार खरीद दीजिए क्योंकि ये उत्कृष्ट क्वालिटी की या गुणवत्ता की हैं और उसे राज़ी कर लिया जाता है बाद में कार में कुछ दोष पाया जाता है और उस दोष के लिए जब क्रेता द्वारा अपने अधिकार के लिए बढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि वास्तव में इस कार में कोई दोष नहीं था बल्कि आपने इसकी ठीक से ड्राइव या संचालन नहीं किया इसलिए इसमें एक प्रकार का दोष आया इस मामले में न्यायालय ने धारा 16 की उपधारा दो यानी द्वितीय अपवाद को लागू करते हुए कहा कि अव्यक्त दोष होता है ऐसा दोष जो सामान्य जाँच में नहीं पता चलता है वह प्रारंभ से ही मौजूद माना जाएगा और सामान्य रूप से जो प्लाई माउथ कार्य होती हैं उसमें इस प्रकार का कोई दोष पाया नहीं जाता और यदि इस प्रकार का दोष है तो निश्चित रूप से यह वाणिज्यिक क्वालिटी में कमी है और न्यायालय ने कहा कि प्लाई माउथ कारों में आम तौर पर वो दोष नहीं होते जो वादी की कार में पाए गए इसलिए कार में दोष दोषपूर्ण विनिर्माण के कारण थे और निहित वारंटी का उल्लंघन है और क्षतिपूर्ति के दावा करने का क्रेता को हकदार माना गया इसी द्वितीय अपवाद को लागू करते हुए ग्रुडले मनाम पैरी के बाद में एक बच्चे ने जो खिलौने को काउंटर से खरीदा लेकिन काउंटर से खरीदने के बाद जब उसने खिलौना खेलना शुरू किया तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकल करके उसकी आंख में लग गया और यह तर्क दिया गया कि यह उचित वाणिज्यिक क्वालिटी का नहीं है लेकिन क्रेता सावधान नियम के अवलंबन का सहारा लेने के लिए विक्रेता द्वारा कहा गया कि इस माल को खरीदते समय वर्णनानुसार विक्रय नहीं थी तो न्यायालय ने कहा कि नहीं जब भी काउंटर से कोई माल खरीदा जाता है या भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि यह विक्रय वर्णन के अनुसार है इसलिए यह हाँ उचित क्वालिटी का माना जाएगा इसी प्रकार जन बनाम जस्ट के मामले में एक व्यापारी ने जो मनीला सन खरीदा मनीला सन खरीदने के कारण उसमें जब उसके उपयोग की बात आई तो देखा गया कि वह मनीला सन भीगा हुआ था और भीगे होने के कारण उसकी क्वालिटी में कमी थी जिसके कारण उसे पुनर्विक्रय करते समय पच्चीस प्रतिशत छूट के साथ उसे बेचना पड़ा न्यायालय ने यहाँ भी धारा सोलह के उपवाद दो का लाभ देते हुए क्रेता को इस मामले में उससे जो क्षतिपूर्ति है वह पाने का हकदार माना धारा 16 के ही प्रावधान में एक बात और है कि यदि खरीदे जाने वाले माल में जांच करने के बाद कोई दोष प्रकट होता है तब क्या होगा यानी कि वर्णानुसार माल खरीदने में क्रेता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस माल की खरीदारी कर रहा है क्या उसमें कुछ ऐसे दोष हैं जिसको सामान्य अनुक्रम में जांच करके पता लगाया जा सकता है देखिए कि किसी भी प्रकार की जो वस्तु होती है उसमें कोई भी दोष हो सकता है लेकिन दोष दो तरह से होता है एक प्रत्यक्ष दोष होता है एक गुप्त दोष होता है प्रत्यक्ष दोष ऐसा दोष है जिसे कोई भी सामान्य विवेक या प्रज्ञा वाला व्यक्ति सामान्य जांच से उसकी पड़ताल कर सकता है यद्यपि गुप्त दोष के बारे में शायद भविष्य में पता चले तत्काल पता ना चले ऐसे में यदि माल को देखने का परखने का और मौका मिलता है तब उस मौके का फ़ायदा उठा करके जांच पड़ताल के क्रम में किसी प्रत्यक्ष दोष की कवर कर लिया जाता है तब तो वह ठीक है अदरवाइज अन्य किसी मामले में यदि प्रत्यक्ष दोष नहीं है और गुप्त दोष पता भी चलता है तब वह हकदार होगा लेकिन यदि उसने जांच पड़ताल नहीं की या सामान्य जांच से दोषों का पता नहीं है तब धारा सोलह लागू होगा जैसे थोरनेट एंड फिर बियर एंडसन के मामले में गोंद खरीदने के लिए प्रतिवादी ने कहा कि उसके गोदाम में गोद है जाकर के देख लो क्रेता वहाँ गोदाम तक जाता है लेकिन किसी भी डब्बे के खोले बिना चला आता है और बाद में उस गोद में कुछ कमी मिलती है न्यायालय ने कहा कि आपको सामान्य जांच पड़ताल करने का मौका मिला था ऐसे में सामान्य जांच पड़ताल का मौका मिलने के बाद भी प्रत्यक्ष दोष से आप परिचित नहीं हो सके इसलिए यहाँ विक्रेता किसी भी प्रकार से क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है इस प्रकार जो तीसरी व्यापार उपभोग से निहित शर्तें जो तीसरा अपवाद है वह कहती है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए गुणवत्ता या उपयोगिता के बारे में एक निहित वारंटी होगी जैसा पीटर डर्लिंगटन बनाम गोसो कंपनी के बाद में कैनरी बीज के बारे में सामान्य रीति रिवाज था कि यदि उस बीज में कोई कमी होगी तो उसके बदले पैसा नहीं दिया जाएगा बल्कि अगली बार जब सप्लाई या आपूर्ति होगी तो उसके बदले उसकी कीमत में छूट मिल जाएगी इस प्रकार के रिवाज यदि कोई हैं जब तक कि वह विधि द्वारा असंगत नहीं होंगे तब तक वह विधि का भाग माने जाएंगे और एक चौथा अपवाद इसे सामान्य रूप से, से अपवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता लेकिन धारा 16 के चौथे अपवाद इसे हम कैबिट इंपिटर के सिद्धांत के अपवाद के रूप में तो नहीं मानते लेकिन धारा 16 के चौथे अपवाद के रूप में यह बात है कि जब अनुबंध में कोई स्पष्ट शर्तें या वारंटी शामिल करना चाहे तो पक्षकार अपने आप कर सकते हैं लेकिन तब तक जब तक कि वह किसी अभिव्यक्त शर्त को नकारात्मक नहीं बनाती है जैसे मारुति उद्योग बनाम सुनील कुमार के बाद में किसी पार्ट में कार के किसी कमी में होने के कारण यह शर्त थी कि उस त्रुटिपूर्ण पार्ट को बदल दिया जाएगा एक पार्ट में खराबी होने के कारण क्रेता ने कहा कि पूरी कार ही बदल दिया जाए न्यायालय यहाँ पर सहमत नहीं हो और कहा कि अभिव्यक्त शर्तों के हिसाब से यदि पार्ट में कोई त्रुटि थी तो उसमें बदलाव होना चाहिए और चूंकि पार्ट बदल दिया गया है इसलिए वह कार बदलवाने के लिए प्रधिकृत नहीं है धीरे धीरे यह कैवियट इम्प्यूटर के सिद्धांत और उसके अपवाद आने के बाद कैवियट इम्प्यूटर सिद्धांत के, के अपवादों यानी धारा 16 के दिए गए अपवादों ने इतनी सशक्त संकल्पना बना ली कि कैवियट इम्बर का सिद्धांत लुप्त प्राय हो गया और धीरे धीरे यह कैवियट इम्पिटर का सिद्धांत कैवियट वेंडेटर के सिद्धांत में बदल गया अर्थात समय बीतने के साथ इस सिद्धांत के अपवाद ने सिद्धांतों से कहीं अधिक प्रासंगिकता बना ली और कैवेट इम्पिटर के सिद्धांत के आगे कैवियट वेंडेटर का सिद्धांत लागू होने लगा स्पष्ट रूप से जब पृष्ठ बनाम लास्ट के मामले में जिसमें हमने एक देखा था कि किस प्रकार गर्म पानी की बोतल जो उससे बॉडी या शरीर झुलस जाता है मामले न्यायालय ने उस को क्षतिपूर्ति दिलाया और उसी प्रकार अन्य मामलों में भारत में भी जब धीरे धीरे विकास हुआ तो कैवेट इंटर के सिद्धांत ने अपनी प्रासंगिकता खो दी और उपभोक्तावादी युग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आने के बाद उन्नीस और वर्तमान के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के कारण कैविय टिपिटर के सिद्धांत ने अपनी प्रासंगिकता पूरी तरह खो दी विशेषकर यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा चौरासी और छियासी को देखें जिससे स्पष्ट होता है कि यदि उत्पाद के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई दोष विनिर्माण मानकों के कमी के कारण या निर्माता पर दायित्व है तो निर्माता पर दायित्व लगाया जा सकता है यानी खरीदार को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उस विनिर्माता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ऐसे कई मामले भारत में देखने को मिले चाहे वो श्रीमती रेखा साहू बनाम यूको का मामला हो या अन्य कई मामले जिसे हम आ, जो कानून यानी कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भी देख सकते हैं या माल विक्रय अधिनियम के कानून की भी तहत भी देख सकते हैं एक एक नवीन मामला मेसर्स इंसल हाइड्रो पावर बनाम केरल राज्य का था जहां न्यायालय ने कहा कि जो बिंदीदार वाणिज्य अनुबंध होते हैं जिसमें जो निजी डेटा लेने का अवसर विनिर्माताओं को या किसी ऐप या ऐसी कंपनियों को जो डिजिटल कंपनियां होती हैं उसमें कुकीज़ के बारे में कुकीज़ नीति के लिए सहमत को अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए अब न्यायालय ने कहा कि पूरी तरह अप्रासंगिक भले ही हो गया है लेकिन आज फिर से सकता है कि हम के सिद्धांत को उस सीमा तक लागू करें जहां यह उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए आवश्यक है इस प्रकार सारांश रूप में हमने देखा कि आज के व्याख्यान में हमने उन शर्तों एवं वारंटियों की चर्चा की जो इस अधिनियम के अंतर्गत शर्तें एवं वारंटियां या विहित शर्तें एवं वारंटियां हैं परंतु वास्तव में या आंग्ल विधि के कैवियट इंप्टर के सिद्धांत के अपवाद के रूप में शामिल किए गए हैं और सारा सारांश में हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त तो रूप से कैवेट इमिटर और कैवेट विमिटर का सिद्धांत है जिसका तात्पर्य है विक्रेता और खरीदार दोनों को बिक्री के लेन देन में संलग्न होने के दौरान कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है और इसी के साथ ही इस सिद्धांत और इस अपवाद के साथ आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है धन्यवाद